तो फिर से हम इन आज आगे इस वीडियो के बढ़ाई भाई और हम इन जो है दूगो क्वेश्चन कर चुके हैं पिछला वीडियो में। अभी दूगो वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पे डाल दे हो, एक क्वेश्चन ये वाला और एक ये वाला दूगो खोटा वीडियो आ गए हो। ये दोनों वीडियो जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जी, तो लिंक वहाँ से तुम जाके देख लियो और बाद आगे पढ़ी हो, ठीक हो। तो आज हम इन एक सॉल्व कर भाई। तो क्वेश्चन में हम लोग तीसरा नंबर के जो क्वेश्चन है एक सॉल्व करे के लिए कोई भी ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम इन लिखा ही एकरा कि एक करना क्या हो। छः एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस सेवन एक्स बराबर एक जीरो मान लेवे। यहाँ देख तो यहाँ सही से अरेंज ना हो, तो पहले एक अरेंज कर ले। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू यहाँ जीरो। एक ऐसे हम पहले सबसे पहले एक लिख लेवे, ठीक है। अब एक लिखल बाद का करना हम इनके, एक लिखल बाद अब यहाँ देख ले सारा चीज अरेंज हो चुकल हो। हम इन जो है पिछला दो वीडियो में सीख लिये ओकरे बस यहाँ दोहरे भाई। छः और तीन के यानी आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर के पहले तो गुना कर लेबे। तो गुना कर लिए छः गुना तीन कितना आ गए, छः तीन अठारह आ गए। अब हम इनका ऐसा नंबर खोजना हो जगह ये साइन क्या पता है घटावे पर माइनस में सात मिलना चाहिए। तो अठारह का हम इन तोड़ दिए तो दो का टेबल में नौ बार में नौ में से दो घटाए दे भाई ने, नौ में से दो घटाए दे भाई सात मिल जीते। माइनस में नौ चाहिए तो माइनस में सात चाहिए तो माइनस नौ के रखबे और प्लस टू के रखबे और एक्स है तो एक्स एक्स लगा देवे तो आराम से माइनस में सात एक्स आई जी। तो ठीक है, तो हम इन का करे जा रही कि अब इकरे लिखब। तो यहाँ लिखा ये छः एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स और प्लस में दो एक्स और माइनस में तीन बराबर में जीरो। यहाँ से देखी का कॉमन हो, यहाँ से कुछ कुछ कॉमन लग रहा हो, जैसे कि एक्स तो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, चलिए कॉमन है गलो। यहाँ देखो छः हो या नौ हो दोनों ही क्या हो तीन के पहाड़ में आओ, तो तीन के पहाड़ में छः दो बार में आओ और एक्स दो घलो तो ओकर में से एक बाहरी कर दिलो तो एक बाहर बचलो। माइनस नौ यहाँ देखी नौ हो और तीन के टेबल में कितने बार में आओ नौ, तो तीन बार में मतलब तीन बाहर कर चुकल है ना। यहाँ फिर से हम इन कॉमन लेबो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा हो, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिखते वहाँ कितने ले लेना हो कॉमन एक और अंदरे जो रहते भीतर में ओकर भीतरे वाला भीतरे लिख देवे है ना। ये दोनों फिर से तोर आ गए हो का चीज देख, ये दोनों फिर से तोर कॉमन हो फिर से एक बाहर कर दे। अगर हम इन फिर से बाहर कर देवे तो का बचतो तोर बचतो तीन एक्स प्लस एक बचतो बराबर में जीरो आ गए है ना। तो इस तरह से हम इन बना ले लिए। अब एक से हम क्या कर सक, एक से हम इन आराम से एक्स के वैल्यू फाइंड कर सकिए निकाल सकिए। तो एक लिख दिए दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो दो एक्स बराबर प्लस में तीन कहे कि माइनस तीन उधर जितो दहिना साइड में तो प्लस में है जितने। और बाद यहाँ एक्स बराबर हम इन निकालब तो तीन बटा दो आ जितो है ना। ये दो एकर में गुना हो हम बताइए कि जो गुना रहते और जब दूसरे साइड में ले जब तो इका भागा में भाई जितो। तो यहाँ इनके जो क्वेश्चन हो थ्री बट्टा टू क्या हो गलो भागा में भाई गले हो, ठीक हो। एक अल्फा मान लेब इसी तरह एक यहाँ आ या लिख के एकर एक बार और कर दिए ये वाला एकर ने निकाल लिया एक्स के वैल्यू। अब यहाँ से निकालब एक्स के वैल्यू तो यहाँ से निकाल तीन एक्स रह दिए और एक के उधर ले जाइए तो माइनस एक है जीते और यहाँ एक्स रह दिए तीन गुना में उधर ले जाइए तो भागा में भाई जीते, ठीक है। तो माइनस एक्स पहले से ले और भागा में ये है गए तीन। अब एक नाम दे दे बीटा, तो एक अल्फा बोल रही अगर बीटा बोल रही हम इन पढ़ लें ये ना शून्यकों का योगफल संबंध भी तो जांच करना हो ना। तो माइनस बी बटा ए हो सारा चीज़ समझा चुके लियो। तो अल्फा की जगह हम अल्फा लगाए दिए तीन बटा दो और बीटा की जगह हम बीटा लगाए दिए माइनस एक बटा दो एक बटा तीन इधर कहते हैं जीते माइनस बी बी की जगह में कहते हैं। तो देख यहाँ बी की जगह हम तुरा कहाँ मिलते हो यहाँ देख यहाँ बी के जगह में तो सात मिल रहा था माइनस में सात, तो माइनस में सात और ए के जगह में तो देख छः मिल रहा था है ना छः। यहाँ भिन्न के जोड़ घटाव कर देवे से पहले तीन और दो के भिन्न करबे तो छः अतः यहाँ तीन है अरे बीच में माइनस और प्लस माइनस हो जो एक जानकारी होना चाहिए। अब एक तिरछा गुना कर दें तीन तीया नौ हो जितो और दो एक दो हो जितो और उधर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जितो सात बटा छः। तो प्लस लिखे की जरूरत ना हो तो ना लिखिए नौ में से दो घटाए दे भाई तो हमें सात बटा हिंदी छो आ जितो। तो दहिना साइड भी आ गए छो और बायां साइड भी आ गए छो तो बराबर हो गए तो हम इन सत्यता की जांच कर ले लिए। और बाद एक शून्यकों के गुणनफल भी निकाल के देखबे कि हम इनके जो अल्फा हल तीन बटा दो नहीं हल मान ले लिए और बीटा हम इनके पास में माइनस एक बटा तीन नहीं हल सी सी के वैल्यू यहाँ से तो निकाल सकें सी के वैल्यू कितने मिलते माइनस में तीन मिलते तो माइनस में तीन और एक का वैल्यू छः निकाल ले लिए माइनस प्लस माइनस और तीन एक तीन अलो और दो तीया छः हो गए और उधर भी हो माइनस तीन बटा छः ये भी बराबर हो गए तो है ना। तो इस तरह हम इनका कर लिए क्वेश्चन नंबर तीन के जो क्वेश्चन है
पहले तो ओकर हमिन के क्या निकाले खले बहुपदों का शून्य ज्ञात करे खले, तो वो निकाल ले लिए, ओकर बाद उस संबंधों के जांच भी कर ले लिए, है ना। अब हमिन बढ़ाई आगे क्वेश्चन में, आगे वाला हमिन बनवाई, तो एक थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके आराम से तो इन छाप सका है, उतार सका, अपन कॉपिया में लिख सका है ना। और जो भी पढ़े यहाँ आवा है नहीं, बच्चा सबके लिए हमारा है न्यूज कि जब भी पढ़े लेबे तो कॉपी और एक पेन के साथ में आएंगे, अदरवाइज तो ना यही हो है ना, क्या कि अगर पढ़े के मन हो तो कॉपी और पेन के साथ में ही पढ़ना चाहिए। चले कर मिटा दहियो और अब आगे हम इन पढ़े, इस वीडियो में हम क्या करबो कि सारा चीज़ आज कम्प्लीटे कर देबो है ना, कहे तो इन डेली डेली इंतजार करते रह पाए, तो हम सोचे कि हम एकर ई वीडियो में हम सभी कंप्लीट कर देबो। देखो तीन नंबर तक कंप्लीट कर दिले, चार और पाँच बचल हो, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हो। पहले चार नंबर वाला बता दहियो, चार यू स्क्वायर हो प्लस आठ यू हो एक बराबर जीरो मान ले। अभी तक जैसे हम इन बनाई ले वैसे अब एकर में नए बना सके हैं, ठीक हो। एकर में बनवे के लिए क्या करे पड़ते हो, तोरा एकर में बनवे के लिए सबसे पहले तोरा है ना ये कॉमन ले पड़ते हो, जैसे ऊपरे बनाई ले वैसे नए बनते हो, ना ये वाला बनते हो ना ये वाला बनते हो, एक देखना बहुत जरूरी हो। जे एक वीडियो के आधा में छोड़ के चल जाए तो उन्होंने कहते बहुत घाटा बेतो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जे कि आवो हर साल हर एक दो साल में आवो, हम जब बतावे लगो क्वेश्चन बैंक के बारे में कि कौन साल कौन सा क्वेश्चन आए लो हमारे पास हो एकदम 2010 तक के हो, तो जब बतेबो तो हिन के तो उस समय तो हिन देखिया है ना, ये सब तोरा बार बार मिलतो, इसलिए बोला एक वीडियो के पूरा देखल कर और कॉपी पेन लेके बैठना हो, ठीक हो। अब एक हम सॉल्व करे तरीका बताओ, एक तो ऐसे सॉल्व करना ऐसा कही क्या है कि प्रॉपर फॉर्मेट में हो ना, कौन ककर फॉर्मेट में जे हम इन एकर रूप में हो एक चाहिए ना, द्विघात बहुपद के रूप में ऐसा में तो हो ना है, तो फिर एकर में देखो एकर में क्या कर सके कॉमन ले सके, तो हम चार कॉमन ले लियो है ना, यहाँ यू हो तो हमारा एक टाइम देखे थे क्वेश्चनवा का है एकर में, फिर हम तोरा बताओ ये क्वेश्चनवा थोड़ा सा हमारा देखे पड़ते, देख लिए दो मिनट समय लगते है ना। हाँ हम सही बोल रहे हैं, वहाँ यू है तो हम बता रहे हैं क्या हो कि यहाँ पर हम इनके यू हो, तो यू और यू कॉमन ले लेबे और चार कॉमन ले लेबे, ये चार हको और ये हको यू है ना, एकर में तो गड़बड़ नहीं करिए हम इन क्या करबे, ये चार और यू भागा मतलब बाहर ले गए चार यू हल एक ऐसे लिख दिए, तो चार गुना यू लिख सके, एक में चार यू तो है, इसी तरह आठ यू में से अगर चार यू बाहर कर देवे यहाँ का बचले पहले यू बचले और यहाँ का बचते आठ यू में से हमें दू गुना चार गुना चार के बढ़िया से लिखाइए, चार गुना यू लिख देवे। अब यहाँ से देखते चार गुना यू हो तो दो बचिए रहो तो दू यहाँ लिख देवे बराबर में जीरो, ये अभी हम इनके आ गए गुणनखंड के रूप में तो लिख सकिए कि चार यू बराबर अगर जीरो रहते तो यू बराबर भी जीरो अत है ना, या हम लिखबे यू प्लस दू बराबर हम इनके जीरो है तो यू बराबर हम इनके माइनस दू अत, एक अल्फा मान लेबे एक बीटा मान लेबे, फिर से हम इन क्या करबे यह फार्मूलवा में हम इन क्या करबे लगा देवे, ठीक हो। तो एक सत्यता की जाँच है जीते तो जल्दी से हम इन एक में लगा दिए और फट से एक इनके हम इनके क्या करें सॉल्व कर लिए, तो अल्फा के जगह में हम इन जीरो लगा दिए और बीटा के जगह में माइनस दू लिख दिए, और माइनस बी के वैल्यू तो यहाँ देख ले अच्छा आठ हो गए तो माइनस में आठ हो गए और ए का वैल्यू तो देख ले तो चार हो जितो, ठीक हो चार हो गए तो यहाँ माइनस दू बचलो, इधर भी हम इन काटे तो भाई चार के पहाड़ा पड़बे ना, चार दूनी आठ हो है तो दू के टेबल में ए भी कट जीते, तो एक तो हम इन पूरे ये कर दिलिए है ना, जाँच कर लिए सत्यता की। अब हम इन क्या करबे दूसरा वाला भी जाँच कर लिए, एकरो भी जाँच कर लिए, ए भी हम इनके आ जितो बराबर, ओकर में कोई दिक्कत ना हो, ये जीरो गुना माइनस दू हो गए और सी एकर में हो ना तो जीरो और ए का वैल्यू कहते हो तो चार हो, तो एक गुना करबे जीरो एकरो गुना करबे जीरो, तो ये भी सत्यता की जाँच है गलो। तोरा हम यहाँ बता दियो फिर से कि हम इनके पास में का हो, एक यहाँ बता दे रहे फिर मिटा देवो, चार यू स्क्वायर प्लस आठ यू बराबर जीरो, हम इनके होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो देख ए एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब एक हो, ए का वैल्यू तो चार मिल गलो, बी का वैल्यू भी आठ मिल गलो, सी का वैल्यू यहाँ नहीं हो, नहीं हो तो एक मतलब सी का वैल्यू कहते हैं हम अपने मने से लिख लेवे जीरो, इसलिए वहाँ सी के जगह में हम का लिख दे रहे जीरो, और जीरो के चार से भागा देवे जीरो तो जीरो के दो से गुना करबे जीरो तो ये भी और ये भी दोनों बराबर है गलो, हम इनका का कर ले लिए ई क्वेश्चन में हम इन कर ले लिए, बहुपद के शून्यक भी निकाल दे लिए अल्फा बीटा, बहुपद के शून्यक के बीच के सत्यता की भी जांच कर दे लिए है ना, दोनों बराबर आ गए। अब हम इन आगे बढ़े ही क्वेश्चन के पूछ करके आराम से लिख लियो है ना, हम साइड हो जाइयो हाँ ठीक। अब हम इन का करे क्वेश्चन नंबर जो हम इनके बचल है पाँचवा ओकरा भी आज हम इन कंप्लीट कर लही, और हम इनके यह साथ में ये एक्सरसाइज 2.2 है, ये सारा क्वेश्चन हम इनके खत्म है जेते।
बस आज थोड़ा सा टाइम और लेबो और बाद तो इनके क्वेश्चन के खत्म कर देबो। ये वीडियो कैसा लागो हो कमेंट कोई भी ना कर रहा नहीं गलत बात हो है ना तो इन बताइए तो हम इस सीरीज को आगे चलाते जीवो। हालांकि अभी कुछ समय तक तो खोटा वीडियो बनेबो और बाद फिर से हम इंग्लिश और एकर में आ जीवो है ना, क्या कि अगर जैसा रिस्पॉन्स मिलते अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलते तो हम आईबो। फिलहाल हम इन क्वेश्चन में आ जाइए और एक देखिए एक कैसे बनेबे। तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 हो एकरो भी सॉल्व करे के एकदम अलग तरीका और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका रही क्वेश्चन में वीवीआई के जो टैग है वो ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई टैग वो लगा के रखी अपन नोट्स में है ना, क्या कि जब पढ़े लागे रिविजन करे लागे परीक्षा के समय में उस समय ये काम आते कि सर बतैले हलो हमारा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा बार बार आते रहो है ना, तो एक तो करके याद करके जाना और एक स्पेशल तरीका से बनवल जाए। यहाँ देख हम इन का करब यहाँ टी स्क्वायर यहाँ 15 है तो हम इनके बनवे के तरीका एक तरीका है कि रूट यहाँ लगा देवे और एक ऊपर में स्क्वायर भी लगा देवे। कब ही के नवा चीज़ नहीं सिखा रहा तो नवा चीज़ ना हो ऐसा बहुत सीखले हैं नौ क्लास में तो नवा क्लास में पढ़ ही गए हैं तो सीख ले हमें। देख अगर कोई नंबर हो जेकर ऊपर में स्क्वायर भी हो और रूट भी हो है ना वर्गमूल हिंदी में बोलिए कर तो ये दोनों कट के हम इनके सिर्फ 15 बजते तो, मतलब 15 कैसा लिख सके इसलिए ऐसा लिख दिलिए। एक लिखे से क्या फायदा भले एक फॉर्मूला हम इनके याद हो एक सूत्र हुआ देखें एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई सूत्र हुआ जो है ना ई सूत्र हुआ हम लगेबे तो हम इनके आराम से क्या भाई जितने ई सूत्र हुआ के ऐसे लिख सकिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकिए तेरह इसने तोड़ देवे ए प्लस बी तो a प्लस बी मतलब क्या है टी प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 हो जीते ठीक है तो इस तरह से अब बराबर में जीरो थे। यहाँ से t का वैल्यू निकाल लीजिए t माइनस प्लस रूट 15 बराबर अगर जीरो मानबे तो t बराबर माइनस में रूट 15 मानबे है ना, या t माइनस रूट 15 बराबर जीरो मानबे तो t बराबर कितना मानबे तो प्लस में रूट 15 मानबे। एक अल्फा मान लेबे एक बीटा मान लेबे यहाँ फिर से हम बैठा देवे माइनस रूट 15 देखिए देखते जाइए है ना प्लस रूट 15 बराबर माइनस बी यहाँ से देख ले बी है टी वाला कहीं है टी का स्क्वायर नहीं है तो बी का वैल्यू हम इनके जीरो है जीतो और ए का जगह में वन नहीं जीतो। यहाँ से 15 से 15 घंट के लो जीरो और उधरों भी भागा दे देवे तो जीरो एक हम इनके आ गए दूसरा नंबर भी हम इन बना लीजिए अल्फा गुना बीटा अल्फा का वैल्यू हो माइनस में 15 रूट में और ये बीटा का वैल्यू हो प्लस में रूट 15 में और बराबर सी सी के वैल्यू हो तो सी के वैल्यू हो माइनस में 15 तो माइनस में 15 और ए का वैल्यू हो एक या तो माइनस प्लस माइनस हट है रूट और रूट हट के सिर्फ 15 बचते ठीक है और उधर बचते माइनस 15 तो ये भी बराबर है। इस तरह से आज हम इन क्या कर लिए कि ये वीडियो में हम इन सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर ले लिए और इस तरह हम इनके एगो एक्सरसाइज हम इनके खत्म हो गए है। अब हम इन दोसर एक्सरसाइज में जेबे और यह तरीका से बहुत बेहतरीन तरीका से समझबे और हम बार बार बोले खोठा में बनाए रहलियो बस तोहिन के लिए तो खोठा के वीडियो के बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एकदम करते चलना हो बार बार बोले की जरूरत ना पड़े ठीक है। अभी तक अगर वीडियो देखे में अच्छा लागले हो और अगर चाहें कि यह तरी हम वीडियो बनाते रहिए खोठा में मैथ तो अभी तो हम बनाए रहलियो 10वां क्लास के खाली अगर बढ़िया रिस्पॉन्ड मिलते तो 8वां 9वां मतलब सभी क्लास के हम बनेबो और यह ना मैथे ना साइंस भी पढ़ेबो खोठा में और इंग्लिश भी पढ़ेबो है ना, तो हम चाहिए कि वीडियो पूरा देख लेने और लिए तो हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बोलबो और हम ये भी चाहिए कि चैनल के प्लीज सब्सक्राइब कर ले है ना। हम इन मिलबे अगला वीडियो में तब तक के लिए जय झारखंड।